हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं सूफिया। आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च के पकौड़े, जो कि एकदम जल्दी से बनकर आते हैं और टेस्ट में कुछ डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ मैंने दो शिमला मिर्च ली है, इसे वॉश करके इसे मैंने काटा है और बीच में से इसके जो बीज होते हैं वो निकाल दिए हैं। इस तरीके से लंबाई में क्वार्टर बाउल लिया है मैंने बेसन, 2 टेबल स्पून लिया है राइस फ्लोर, इससे एकदम क्रिस्पी बनकर आते हैं। थोड़े से हम इसमें जो स्पाइसेस लेंगे, यहाँ मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, 1 टीस्पून लिया है अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून नमक है। हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर बेसन, राइस फ्लोर और बाकी के सारे स्पाइसेस हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। इसी में हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे और थोड़ा सा मैं इसके अंदर फ्रेश धनिया डाल देती हूँ, 1 टीस्पून के करीब। थोड़ा सा पानी डालेंगे, हमें बहुत ज़्यादा इसका रनिंग पेस्ट नहीं बनाना है, थिक पेस्ट बनाना है। तो हमें इसका इतना थिक पेस्ट बनाना है बेसन का। ऑयल मैंने गर्म होने रख दिया है मीडियम फ्लेम पर, तो इसको बस हम इस तरीके से इसमें डिप करेंगे और ऑयल में डालेंगे। जितनी पैन में आ जाएगा हम उतने ही डालेंगे। इसको पलट देते हैं तो बहुत ही जल्दी फ्राई होकर आ जाएंगे ये। दोनों साइड से इसको फ्राई करेंगे और टिश्यू पेपर पे इसको निकाल लेंगे। ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गई हैं, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ये शिमला मिर्च के पकौड़े बनके रेडी है। आप इसे चटनी के साथ खाएं या सॉस के साथ खाएं टी टाइम पे और इसे एंजॉय करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।